अगर आपको गंवार की फली की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो आप उसके ढोकले बनाकर खाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बनाने में बहुत आसान है। 100 ग्राम गंवार की फली को बारीक काट लें, करीब एक कप के आसपास ये होगा, और इसे काटकर एक बार के लिए अलग रख लें। ढोकली के लिए आटा रेडी कर लेते हैं। एक कप आटा लें, 1/4 कप बेसन, ये ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च लें 1/2 टीस्पून, हींग 1 पिंच, पिसी हुई सौंफ 1 टेबल स्पून, तेल 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा पिंच ऑफ इनो। आप चाहें सोडा डाल सकते हैं जिससे जो ढोकली है थोड़ी फूल जाएगी और सॉफ्ट बनेगी। अच्छे से मसाले को मिलाकर आप इसका डो बना लें। 1/4 कप पानी करीब लगेगा इसमें और एक अच्छा सा डो रेडी हो जाएगा। बस इसी तरह से आपको ये डो बनाना है। थोड़ा सा तेल लगा के इसे एक बार फिर अच्छे से मैश कर लें। ये डो रेडी हो गया है, इसके 4 हिस्से कर लें। ढोकली रेडी करने से पहले हम 4 कप पानी गर्म कर लेते हैं और उसमें हम फली को मिला के आँच पे चढ़ा देते हैं। जब तक इसमें बॉईल आएगा तब तक जो हमारी ढोकली है वो हम रेडी कर लेंगे। ये फली मैंने इसमें मिला दी है, इसमें हमें कुछ नहीं मिलाना है, सीधा हमें हाई फ्लेम पे इसको रखना है। अभी जो ढोकली है उसे हम बेल लेते हैं। कई लोग इसमें छोटी छोटी गोली बना के भी डालते हैं, अगर आपको वो पसंद होता वो भी डाल सकते हैं, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि पतली पतली होती हैं और इनके अंदर स्वाद घुस जाता है। तो इस तरह से ये काट के साइज़ भी आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चारों जो हिस्से हैं इनकी ये ढोकली बनाकर अपन रेडी कर लेते हैं। जब ये सारी रेडी हो जाए तो उधर जो पानी होगा फली वाला वो बॉयल ले चुका होगा। देखिए बॉयल आ गया है और अब हम इसमें जो ये ढोकली हमने बनाई है वो हम डाल देते हैं। अब जब तक फली नहीं होती है तब तक हम वगार रेडी कर लेते हैं। तेल डालें 3 टेबल स्पून और उसमें जीरा डाल दें। जीरे के साथ ही हमें हींग डालना है और उसके बाद हम डालेंगे मूंगफली। पीनट्स को क्रश्ड करके डाला है मैंने, ज़रा सा इनको हमें सेकना है क्योंकि ये कच्ची है, तो थोड़ा बहुत हमें इन्हें हल्का सा फ्राई जैसा करना है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे क्योंकि डायरेक्ट मसाला मिलाएंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है। और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। नमक डाला है मैंने 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसे अच्छे से मिला लेते हैं जब तक कि मसाला रेडी नहीं हो जाए। थोड़ा सा अब इसमें पानी मिलाएं और ये मसाला जब तक तेल ना छोड़े तब तक इसको पकाएं। मसाले को फली में तभी मिलाएं जब वो रेडी हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं कि फली अच्छे से मैश हो रही है या नहीं, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया से हो गई है, यानी ये रेडी है और अब इनमें मसाला मिला देते हैं। मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और थोड़ी देर पकने दें जिससे जो ढोकली और फली है उसमें मसाला पैर जाए और बस ये रेडी है फली ढोकले। लेकिन जब भी आप सर्व करें तो उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा घी या बटर आप ज़रूर यूज़ करें, इससे इसका जो टेस्ट है दुगना हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।